हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से नई वीडियो के साथ मैं आप सभी के सामने हाजिर। देखिए, आज हम आपको बताएंगे कि दीपिका कक्कर आखिर फैजा कैसे बनी, क्या है ये पूरा माजरा, आखिर फैजा है कौन। अंत तक आप मेरे साथ इस पूरे वीडियो में बने रहिएगा। दरअसल आपको बता दें कि बहुत पॉपुलर ये कपल है और इनका खुद का यूट्यूब चैनल भी है, जहाँ पर शोएब इब्राहिम और दीपिका कक्कर टीवी की दुनिया में जब ऑन स्क्रीन की अगर बात कर ले तो दोनों की जोड़ी को लोग ऑन स्क्रीन भी पसंद करते हैं, लेकिन पर्दे के बाहर और पर्दे के पीछे की जो केमिस्ट्री है उसको भी लोग बखूबी पसंद करते हैं। और यही कारण है कि उनके यूट्यूब पे भी बिलियंस फॉलोअर्स हैं। और फॉलोअर्स के साथ साथ अगर हम बात करें, अगर चंद मिनटों के अंदर अगर वो कोई भी अपना ब्लॉग डालते हैं तो वो बहुत तेज़ी से वायरल हो जाती है। इंस्टाग्राम पर बात कर ली जाए तो इनके फॉलोअर्स काफ़ी अच्छे खासे हैं, फैन फॉलोइंग बहुत है। और ऐसे में अब एक क्लिप जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जो कि दीपिका और यहाँ पर शोएब की जो है शादी की कुछ तस्वीरें जो है वो सामने आई हैं। हालांकि ये जो कार्ड इनके निकाह की जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, इस निकाह के कार्ड पे दीपिका का नाम दीपिका नहीं लिखा गया था, बल्कि दीपिका का नाम फैजा लिखा गया था। और उसके बाद से जो है सोशल मीडिया पर लगातार ये पूरा जो कार्ड है वो वायरल हो रहा है। हालांकि आपको बताते चले कि दोनों काफ़ी पावरफुल कपल हैं। हाल फिलहाल में दीपिका जो है वो प्रेग्नेंट भी हैं और ऐसे में अपनी तस्वीरें उन्होंने सोशल मीडिया पर खुद शेयर की थी और अपने फैंस को ये खुशखबरी दी थी। हालांकि बता दें कि इस इनकी शादी जो है 22 फरवरी 2017 को हुई थी और निकाह समारोह जो है वो शोएब के गांव में हुई थी और बहुत सादगी के साथ ये पूरा समारोह जो है वो कंप्लीट हुआ था। और सिर्फ उस निकाह के लिए दीपिका ने अपना नाम बदला था और दीपिका ने अपना नाम फैज़ा करवा लिया था। हालांकि अभी भी वो यूज़ करती हैं दीपिका इब्राहिम, लेकिन फैज़ा जो है सिर्फ उस निकाह के लिए था, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर बयान दिया है, उन्होंने कहा कि सिर्फ निकाह के लिए ये नाम था। उसके बाद से अगर आपको बताते चले कि बहुत सारे लोगों ने हालांकि उस दौरान भी इसका विरोध किया था। हाल फिलहाल में उनकी कुछ तस्वीरें आई हैं, होली के दिन की तस्वीरें हैं जिसमें शोएब और दीपिका जो है होली खेलते हुए नजर आए थे, जिसमें कुछ लोगों ने आपत्ति जाहिर की थी और नाराजगी जताई थी। हालांकि दीपिका ने इसका स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि रंगों का त्यौहार है और इसमें कोई बुराई नहीं है, और खुशियों का त्यौहार है, इसमें भी बिल्कुल कोई बुराई नहीं है। और दीपिका जो है हमेशा ग्राउंड टू अर्थ एक उनका जो एटीट्यूड है वो उनके फैंस को काफी ज्यादा पसंद आता है। आपको दोनों की जोड़ी कैसी लगती है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, ध्यान रखिएगा।